निमार सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले छात्र ज्योतिरादित्य यादव का लक्ष्य एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने शील्ड और श्रीफल देकर सम्मानित किया। लक्ष्य एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट रंजीत सिंह मंडलोई ने बताया कि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य निमार सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। निश्चित ही ऐसे प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया जाना चाहिए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, आज क्या सम्मान क्या था सर? सर, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा और हम जो एकत्रित हुए हैं वो है लक्ष्य एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ कसरावत से। और ये जब एनजीओ को पता चला कि हमारे यहाँ से हमारे बच्चे ने एक विशेष रिकॉर्ड प्राप्त किया है, वो बहुत बड़ी बात थी और उसी संदर्भ में हम सम्मानित करने के लिए आए, क्योंकि ये गौरवान्वित करने वाली बात है। ज्योतिरादित्य यादव बच्चा है जिसने कसरावत ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक विश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया है और लगभग जेईई जो होती है परीक्षा होती है उसमें शानदार तरीके से 360 पूर्णांक के साथ 243 अंक प्राप्त कर इंडिया लेवल पे 424वीं रैंक पे आए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं। तो मैं ताली बजवाना चाहूँगा सबको एक बार। इसी बीच में जेईई में इससे पहले भी 99.97% के साथ एक विशेष रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 198 रैंक थी, 158 एक विश्वसनीय रिकॉर्ड था, कमाल का। तो ये यहाँ पर हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, कसरावत के लिए बहुत गौरव की बात है और युवा बच्चे जितने भी हैं और उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत है कि ज्योतिरादित्य यादव जैसे आप भी बढ़ सकते हो आगे और बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अनफेडिबल, लाजवाब और ज्योतिरादित्य को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर हम सबकी ओर से और लक्ष्य एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत बधाई। उनके परिवार को भी, पापा को, दादा दादी को, अंकल आंटी सबको, मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।